दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पल्ले के लिए स्टेडियम पर पहला T20 मुकाबला आखिरकार लंबे अंतराल के बाद शुरू हो चुका है। सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में जीत लिया है पहला टॉस, चुन ली है पहले बल्लेबाजी। आखिर भारत का चल रहा है क्या स्कोर, रिंकू सिंह ने बना दिए कितने रन, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं, तो बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और श्रीलंका में से कौन सी टीम पहला T20 मैच अपने नाम करने में कामयाब होगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच जब भी T20 सीरीज होती है तो दोस्तों यहां रोमांच बनना तो पूरी तरह से तय रहता ही है। और वैसे भी इस बार तो 3 मैच की T20 सीरीज श्रीलंका में ही करवाई जा रही है, जिसके चलते श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका बिल्कुल भी टीम इंडिया को मौका देना नहीं चाहेंगे इस सीरीज में जीत हासिल करने का। लेकिन दोस्तों, एक तरफ चरित असलंका है तो दूसरी तरफ हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पूरी व्यवस्था कर ली है श्रीलंका की टीम को 3-0 से हराने की, और हर किसी को इंतजार है श्रीलंका के ही गढ़ में उनको हराने का। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए यह सब इतना आसान होने नहीं वाला, क्योंकि टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज मौजूद नहीं है और जसप्रीत बुमराह को भी मौका नहीं दिया गया है, जिसके चलते टीम थोड़ी कमजोर भले नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, हमें अपने युवा खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है कि वो श्रीलंका के खिलाफ भारत की नाक कटने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, अब अगर आपको हम मुकाबले के बारे में बताएं तो यहां आप सभी अगर लाइव मैच देखना चाहते हो टेलीविजन पर तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर यह मुकाबला दिखाया जाएगा, और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो आप जियो सिनेमा ऐप और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी अनेक भाषाओं में देख पाओगे। और दोस्तों, पहला T20 मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच पल्ले के लिए स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां यह मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। और यहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला चुनेंगे, क्योंकि दोस्तों वो बखूबी जानते हैं कि पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर टीम ने 200 के पार स्कोर को पहुंचा दिया तो बड़ी आराम से हम यह मुकाबला जीतने में कामयाब हो जाएंगे, वरना श्रीलंका के पास इतनी बल्लेबाजी तो मौजूद है जो आसानी से 200 रन भारत के खिलाफ बना सके। वहीं बात करें अगर प्लेइंग 11 टीमों के बारे में तो दोस्तों यहां पर पहले नाम निकल कर आ रहा था कि वानिंदु हसरंगा टीम के नए कप्तान बनेंगे, लेकिन दोस्तों वानिंदु हसरंगा का प्रदर्शन देखकर उनको अब टीम का कप्तान नियुक्त नहीं किया गया, यहां पर कप्तानी चरित असलंका को सौंपी गई है। तो वहीं हम सभी को ओपनिंग करते हुए जो नजर आने वाले हैं उसमें अविष्का फर्नांडो और अथुम निशंका को साझेदारी करने का मौका दिया जाएगा। वहीं टीम का हिस्सा मध्यम क्रम में कुशल मेंडिस, चरित असलंका, कमिंदु मेंडिस, दासुन सनाका, वानिंदु हसरंगा और कुशल परेरा को दिया गया है। तो वहीं फिर गेंदबाजी में दुनित वेलालगे, दुष्मांता चमीरा और महेश तीक्षणा खेलते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों यहां अगर एक बदलाव होगा तो वो ये हो सकता है कि दासुन सनाका की जगह पर मतीसा पतिराना को मौका दिया जाए। तो ऐसे में दोस्तों ये तो होगी श्रीलंका की टीम। वहीं बात करें अगर भारत की टीम के बारे में तो टीम इंडिया में आप सभी को शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत इस बार यशस्वी जायसवाल करते हुए नजर नहीं आएंगे। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव पारी की शुरुआत भारत के लिए कर रहे हैं। तो वहीं फिर मध्यम क्रम में तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल को मौका दिया गया है। चौथे नंबर पर रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं फिर गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, रवि बिश्नोई और मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। तो दोस्तों यह भारत की प्लेइंग 11 टीम। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और श्रीलंका में से कौन सी टीम पहला T20 मुकाबला जीतने में कामयाब होगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।